आइए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। आज की क्लास में मैं टीआर जैन आपके लिए लेकर आया हूं अन अकेडमी पर एक टॉपिक जिसका नाम है एवरेज ड्यू डेट। बेटा, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मेरा जो चैनल है इसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम। इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक टॉपिक जिसका नाम है एवरेज ड्यू डेट। बेटा, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सबसे पहले हमारा ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें। और मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में बता दूं, अन अकेडमी के बारे में बता दूं, मेरा नाम है टी आर जैन और मैं लास्ट 15 ईयर से सीए और सीएस क्लासेस को टीच कर रहा हूँ और अब मैं अन अकेडमी पर आ गया हूँ आपको पढ़ाने के लिए सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी। सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी का एक टॉपिक जिसका नाम है एवरेज ड्यू डेट। और बेटा, ये आपके एग्जाम पेपर में एटलीस्ट 5 मार्क्स का वेटेज रखता है और ये सबसे इजी टॉपिक है पढ़ने में। तो आज की क्लास में हम लोग एवरेज ड्यू डेट का जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और पूरा टॉपिक मैं आप लोगों के लिए बढ़िया लेवल पर लेकर आया हूँ। मैंने आप लोगों के लिए इस टॉपिक को मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं अन अकेडमी के बारे में। आप हमारे साथ अन अकेडमी का ये जो चैनल है, इसके अलावा हमारा एक लर्निंग ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, अन अकेडमी लर्निंग ऐप। वहाँ भी आप मेरी स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उसकी कोई फीस नहीं है। और आप चाहें तो हमारा अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जैसा आपको स्क्रीन पर सब्सक्रिप्शन के बारे में दिखाई दे रहा है, अगर आप हमारा अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बेटे उसमें आपको मिलता है 10% डिस्काउंट अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं जो कि है SP तिलक। अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं तो आपको मिलता है 10% डिस्काउंट। तो चलिए फिर हम लोग आज की क्लास को एक बार ज़रा स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक है उसका नाम है बेटे एवरेज ड्यू डेट। और मैं आपको बता दूं, सीए फाउंडेशन लेवल अकाउंटेंसी कोर्स में, सीए फाउंडेशन लेवल पर अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर का वेटेज 5 मार्क्स के लिए रहने वाला है। सीए फाउंडेशन लेवल पर इस चैप्टर का वेटेज 5 मार्क्स के लिए रहता है। तो आज की जो मेरी क्लास है उसमें मैं आप लोगों के लिए एवरेज ड्यू डेट का पूरा कंसेप्ट लेकर आया हूं। और मैं आप सब लोगों को ये बता दूं, अगर आप लोगों ने ये वाली क्लास बढ़िया लेवल पर कर ली तो मैं ये श्योर मान के चल रहा हूं कि आज की क्लास में मैं आपके 5 मार्क्स बिल्कुल डेफिनेटली 100% श्योर आपके एग्जाम पेपर के लिए कंप्लीट करवा के जाऊंगा। आज की क्लास आपके एग्जाम पेपर में 5 मार्क्स के लिए है, तो इस क्लास को मिस मत करिएगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से जो मैं आज की क्लास में आपको नोट करवाऊंगा और जो कंसेप्ट मैं आपको करवा के चलूंगा, जिस तरह की प्रैक्टिस मैं आपको करवा के चलूंगा, बढ़िया लेवल पर आप करिएगा। मैं आपको बता दूं बेटे, आप लोगों के लिए मैंने एक बहुत प्यारा स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। आप ये देखिएगा, ये जो स्टडी मटेरियल है, इस स्टडी मटेरियल में मैंने थ्योरी भी पूरा रखा है, स्टेप्स रखे हैं, मैंने हर एक बात को एक्सप्लेन किया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, अलग अलग केस स्टडीज आपकी क्या हो सकती हैं एवरेज ड्यू डेट को लेकर, वो हर एक पॉइंट मैंने आपके इस मटेरियल में रखा है। और आप देखेंगे इतना सारा आपको यहाँ मटेरियल मिल जाएगा अगर आपने इसको कर लिया, इसके बाहर से कुछ भी आने के चांस ना के बराबर है। आपको इसमें सबको मैंने कवर करके दिया है, हर एक केस स्टडी मैंने इसके अंदर कवर करके दिया बेटा। जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हर एक पॉइंट मैंने कवर किया। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इस चैप्टर में मैंने अप्रोक्सीमेट आपको जो है, आप ये देखेंगे तो मैंने आपको क्वेश्चंस बनाकर दिए इसके अंदर अप्रोक्सीमेट 21। उसके बाद आपको मैं ये बता दूं, 21 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने के बाद चैप्टर का समरी मैंने आपको दिया हुआ है। समरी देने के बाद ट्रू फॉल्स मैंने आपको चैप्टर के दिए हुए हैं और उनके सजेस्टेड आंसर देने के बाद आपके लिए मैं लेकर आया हूँ सोल्ड स्कैनर। मतलब ये कि जितने आपके लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में मैंने सीए, सीएस और सीएमए, इन तीनों कोर्सेज में ये चैप्टर फाउंडेशन लेवल पर रहता है, तो उन तीनों कोर्सेज में सीए फाउंडेशन
सीएमए फाउंडेशन और सीएस फाउंडेशन वगैरह में जब भी ये चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया, थ्योरी या प्रैक्टिकल, हर एक क्वेश्चन को मैंने रखा है और उसका विद आंसर सॉल्यूशन के साथ मैंने इसमें आपको बना कर दिया है। बेटे अगर आपने ये पूरा टॉपिक, इस चैप्टर का टॉपिक आपने यहाँ से पढ़ लिया, तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपको थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होने वाली है, ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे लेवल पर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर एक बार के लिए इस टॉपिक को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और ये टॉपिक आपको हमारे YouTube चैनल पर इतना डिटेल से मिल जाएगा कि आपको जो है इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो मैं आपको एक बार स्क्रीन पर अगर ये बता दूँ, ये देखिए एवरेज ड्यू डेट, ये मेरा कंसेप्ट है बेटे। एवरेज ड्यू डेट का मीनिंग क्या है ये देखिएगा, एवरेज ड्यू डेट इज द ब्रेक इवन डेट, हाईलाइट कर लेता हूं मैं इसको। ये कहता है जी एवरेज ड्यू डेट जो है वो एक तरह की ब्रेक इवन, एवरेज ड्यू डेट इज अ ब्रेक इवन डेट एट विच नाइदर द पार्टी मेकिंग द पेमेंट नॉर रिसीविंग द पेमेंट सफर इफ द पेमेंट इज मेड ऑन दैट डेट। बेटा एवरेज ड्यू डेट का कंसेप्ट तब एप्लीकेबल होता है जब पेमेंट में दो पार्टी इन्वॉल्व हैं, एक पेमेंट देने वाला और एक पेमेंट रिसीव करने वाला। अब पेमेंट रिसीव करने वाले को और पेमेंट देने वाले को डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पर पेमेंट देनी थी, लेकिन उन डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पर पेमेंट रिसीव करने की बजाय रिसीवर ये चाहता है कि पेमेंट एक ही दिन में रिसीव हो। तो इस कंसेप्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे। मैं इसकी थ्योरी आपको पढ़ाना स्टार्ट करूं उससे पहले मैं कोशिश करता हूं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की। चलिए हम लोग कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करने की। व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज ड्यू डेट, ये देखिए व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट, हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि भाई एवरेज ड्यू डेट का मीनिंग क्या है। एवरेज ड्यू डेट को कई लोग ए डी डी भी बोल देते हैं, तो कई जगह अगर आपको इन शॉर्ट मिल जाए एवरेज ड्यू डेट ए डी डी तो आप इसको समझ जाइएगा। आइए अगर बेटे मैं बात करूं एवरेज ड्यू डेट, तो यहां लिखा गया व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज ड्यू डेट। तो बेटे इसका एक सिंपल सा मैं आपको एक केस बनाकर देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, उससे क्लियर होगा। ये देखिए मान लेते हैं कि मिस्टर ए एक सेलर है, एक एग्जाम्पल सेट करते हैं उससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। मिस्टर ए एक सेलर है और मिस्टर बी जो है वो एक बायर है। मिस्टर ए जो सेलर है और मिस्टर बी जो है वो बायर है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 रुपए की सेल कर रखी है, 1,00,000 रुपए का सेल ऑफ गुड्स मिस्टर ए सेलर ने मिस्टर बी बायर को 1,00,000 रुपए का सेल गुड्स किया, और मिस्टर ए ने ये सेल किया फॉर एग्जाम्पल January 1, 2019 को, ये सेल किया January 1, 2019 को, और मिस्टर बी से हमें जो ये 1,00,000 रुपए का पेमेंट लेना है January 1 को जो हमने सेल किया मिस्टर बी को, हमने बी को ये क्रेडिट सेल किया, मिस्टर बी को जो ये गुड्स सेल किया वो हमने क्रेडिट सेल किया, और जब पेमेंट रिसीव करने की बारी आई तो मिस्टर बी से हमें जो पेमेंट मिलेगा, फर्स्ट पेमेंट हमारी ये टर्म्स हैं कि फर्स्ट पेमेंट मिस्टर बी हमें देगा 15 मार्च को, और 15 मार्च को बी हमें 30,000 का पेमेंट दे देगा। फिर ये डिसाइड हुआ सेकंड पेमेंट 30th मई को हमें रिसीव होगा, फॉर एग्जांपल 30,000 हमें 30th मई को रिसीव होगा। थर्ड पेमेंट हमने फॉर एग्जांपल बना दिया 15 जुलाई को कि भाई 20,000 का पेमेंट आप हमें दोगे 15 जुलाई को,
और हमने ये डिसाइड किया कि एक पेमेंट 30th अक्टूबर को, 30th अक्टूबर को बचा हुआ 20,000 आप हमें दोगे। मतलब ए ने बी को जो प्रोडक्ट सेल किया 1 लाख रुपए वैल्यू, रुपी 1 लाख वैल्यू का सेल कर दिया, और ए ने बी से ये प्रॉमिस किया, बी ने ए से ये प्रॉमिस किया कि सर मैं आपकी जो पेमेंट दूंगा, फर्स्ट पेमेंट मैं आपकी 15 जून को दूंगा, 15 मार्च को दूंगा 30,000 का। सेकंड पेमेंट हम आपकी 30th मई को देंगे 30,000। थर्ड इंस्टॉलमेंट हम आपकी पेमेंट की देंगे 15 जुलाई को 20,000। और फोर्थ पेमेंट हम आपकी 30th अक्टूबर को देंगे 20,000। फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट देने का प्रॉमिस बी ने मिस्टर ए को कर दिया। अब मिस्टर ए ने इसी टर्म पर बी को सेल किया कि ठीक है आप इन इन ड्यू डेट्स पर आप हमें पेमेंट दे देना। लेकिन उसके बाद ए ने बी से बोला कि सर ये जो डिफरेंट डिफरेंट डेट पर आप हमें डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट दोगे, बी ये चाहता है कि ये सारी पेमेंट हमें एक ही दिन मिल जाए, ए ये चाहता है कि ये सारी पेमेंट बी से हमें एक ही दिन मिल जाए। अब ए की विश पूरी कैसे हो? अब ए ये डिमांड करता है कि सर ये जो पेमेंट आप डिफरेंट डिफरेंट डेट पर दोगे, मैं ये चाहता हूं कि आप ये पेमेंट मेरे को डिफरेंट डिफरेंट डेट पर ना देकर एक ही डेट पर दे दो। तो बी कहता है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक ही डेट पर दे दूंगा। लेकिन ए पूछता है सर वो डेट कौन सी होगी? बी कहता है सर वो डेट 30th अक्टूबर होगी, कि आप मेरे से ना तो पेमेंट इस डेट को लो, ना आप पेमेंट मेरे से इस डेट को लो, ना आप पेमेंट मेरे से इस डेट को लो, और आप पूरी की पूरी पेमेंट आप मेरे से 30th अक्टूबर को ले लेना, एक ही डेट पर सारी पेमेंट हो जाएगी। लेकिन क्या इस बात में ए एग्री करेगा? ए करेगा सर ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ए क्यों एग्री करेगा? कि ए को जो पेमेंट, कुछ पेमेंट 15 मार्च को मिल जानी है, वो भी उसको अक्टूबर में मिले। जो पेमेंट 30th मई को मिल जानी है, वो भी अक्टूबर में मिले। जो पेमेंट 15 जुलाई को मिल जानी है, वो भी अक्टूबर में मिले। और जो अक्टूबर में मिलनी थी, वो भी अक्टूबर में मिले। तो इसमें तो ए का लॉस हो गया ना, क्योंकि ए को लेट पेमेंट मिलेगा। जो पेमेंट 15 मार्च को मिल जाना था, वो लास्ट में जाके अक्टूबर में मिल रहा है। इसी तरह से 30th मई वाला भी अक्टूबर में मिल रहा है, इसी तरह से 15 जुलाई वाला भी अक्टूबर में मिल रहा है, और अक्टूबर वाला तो अक्टूबर में मिलना ही था। तो ए कहता है कि सर ये बात ओके नहीं है, इस बात पर मैं एग्री नहीं हूं। बी कहता है तो आप बताओ सर कौन सी बात पर आप एग्री हो? ए कहता है सर एक काम कर दो, आप सारी पेमेंट मेरे को जनवरी 1 में ही दे दो। यानी कि जो पेमेंट आपने 15 मार्च को देनी है, वो भी आप यहां दे दो, ये वाली पेमेंट भी आप यहां दे दो, ये वाली पेमेंट भी आप यहां दे दो, और ये वाली पेमेंट भी आप यहां दे दो। जबकि बी क्या चाह रहा है कि ये वाली पेमेंट भी लास्ट में हो, ये वाली पेमेंट भी लास्ट में हो, ये वाली पेमेंट भी लास्ट में हो, और जो लास्ट वाली है वो तो लास्ट में ही हो। तो अब क्या ये दोनों पार्टी इस बात पे एग्री होंगे? वो लास्ट डेट कह रहा है, एक फर्स्ट डेट कह रहा है। तो एक डेट, ऐसी एक डेट जिस पर दोनों पार्टी एग्री हो जाएं और दोनों पार्टी में किसी का लॉस ना हो, हमें वो डेट निकालनी है। अब एक पार्टी फर्स्ट डेट को लेने के लिए तैयार है, एक पार्टी लास्ट डेट को देने के लिए तैयार है, तो ये दोनों पार्टी कभी कॉन्सेंट में आएंगी ही नहीं। मतलब दोनों पार्टी की आपसी में कोई सहमति नहीं होगी। इनकी कंसेंट लाने के लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना है, एवरेज ड्यू डेट। अब भाई साहब ए और बी दोनों ने मिल करके मेरे को बुला लिया, सुनते जाना मेरी बात। ए और बी दोनों ने मिल करके मेरे को बुला लिया, मेरे को बोले सर आपको थोड़ा अकाउंट्स की नॉलेज है, तो आप हमें बताओ, आप हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करो। तो मैंने बोला भी आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, मैंने ये बताओ। तो उन्होंने मेरे को ये सारी प्रॉब्लम बताई कि सर मैंने बी से पेमेंट लेना है और इन इन डेट्स पर लेना है, और हम ये चाहते हैं कि ये सारी पेमेंट बी हमें एक ही दिन कर दे, और ऐसा दिन जिसमें ना बी का लॉस हो ना ए कहता है सर मेरा लॉस हो। तो मैंने बोला सर ये तो बड़ा इजी काम है, इसमें क्या दिक्कत है? ए कहता है सर मैंने भी यही कहा था कि सर सारी पेमेंट आप जनवरी 1 को कर दो, ये बड़ा इजी काम है। लेकिन
मैंने बोला ए से, भाई 1 जनवरी को पेमेंट आना सही नहीं है। बी कहता सर मैंने बोला था ना, देखो बी कहता सर मैं कह रहा था ये सारी पेमेंट अक्टूबर 30 को ले लो। तो मैंने बी से बोला सर आप भी ठीक नहीं हो, ए से मैंने बोला आप भी ठीक नहीं हो, बी से मैंने बोला आप भी ठीक नहीं हो, क्योंकि सारी पेमेंट फर्स्ट डे आ जाए वो भी गलत है, सारी पेमेंट लास्ट डे आए वो भी गलत है। तो दोनों ने, ए और बी ने मेरे से बोला कि सर आप ही बता दो वो ड्यू डेट क्या होनी चाहिए, एक ऐसी डेट लेकिन इसमें किसी का लॉस नहीं होना चाहिए, ना ए का लॉस होना चाहिए ना बी का लॉस होना चाहिए। किस तरह का लॉस? इंटरेस्ट लॉस। इंटरेस्ट फैक्टर काम करता है। सीधी बात है कि जो पेमेंट बी से मेरे को आने वाले मंथ्स में मिलनी थी, अगर वो सारी पेमेंट आज ही मिल जाए तो इसमें बी का इंटरेस्ट लॉस होता है, और अगर ये सारी पेमेंट मेरे को लास्ट में मिले तो ए का इंटरेस्ट लॉस होता है। तो ना ए का इंटरेस्ट लॉस हो ना ही बी का इंटरेस्ट लॉस हो, ऐसा हमें देखना है। तो ऐसा कैसे हम पॉसिबल है, कब कर पाएंगे? तो इसके लिए मैंने क्या किया, आप मेरी बात को समझिएगा, ऐसा करने के लिए मैंने आपके लिए बनाया एक एवरेज ड्यू डेट। मैंने इन दोनों से बोला सर देखो ऐसा है, जब तक आप ऐसा झगड़ा करोगे ना तब तक तो काम चलेगा नहीं, दोनों लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैंने ए से बोला कि सर कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ा आप इधर आओ, और मैंने बी से बोला कि कॉम्प्रोमाइज करके भाई थोड़ा सा आप इधर की तरफ ये जाओ, ये आ गए, मैंने बोला और थोड़ा इधर आओ, आप भी थोड़ा इधर आओ, आप इधर आओ, आप इधर आओ। अल्टीमेटली इनके बीचों बीच एक डेट हम लोग निकालेंगे जिसका नाम होगा एवरेज ड्यू डेट। इसके बीचों बीच अमाउंट का इफेक्ट निकालते हुए हम एक डेट निकालेंगे जिसका नाम होगा एवरेज ड्यू डेट। आप बोलेंगे सर इसका मतलब तो ये हो गया कि जो पेमेंट फर्स्ट डेट आनी है और जो लास्ट है, आप दोनों के बीच का गैप का सेंटर पॉइंट निकाल लो, दोनों के बीच का गैप का सेंटर पॉइंट निकाल लो तो वही ड्यू डेट आ जाएगा। ये ड्यू डेट हो ये जरूरी नहीं है, उसका रीजन है। उसका रीजन ये है कि कौन कौन सी डेट पर कितना कितना अमाउंट आना था ये भी हमें देखना पड़ेगा। हमें ये भी देखना पड़ेगा कौन सी डेट पर कितना अमाउंट आना था, हमें ये भी देखना पड़ेगा 15 मार्च को कितना आना था, 30th मई को कितना आना था, 15 जुलाई को कितना आना था, 30th अक्टूबर को कितना आना था, ये सब हमें देखना पड़ेगा, ये सब हमें देखना पड़ेगा। सही बात है ना, कौन कौन सी डेट पर कितना पेमेंट आना था उसके अकॉर्डिंगली अमाउंट का और डेज का वेट निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोसीजर, मैं आपको लिखवाने वाला हूँ यहाँ। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई कि एवरेज ड्यू डेट क्या है, कि जिसमें दोनों पार्टीज में से किसी का इंटरेस्ट लॉस नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, तरीके से चलाते हैं और जल्दीबाजी नहीं है, आज की क्लास में मैं पूरा का पूरा ग्राउंड लेवल पर पहले बना के आप लोगों के लिए तैयार कर दूंगा ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए फिर लिखो जरा प्रैक्टिकल स्टेप्स, हम लोग लिखने वाले हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स टू कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट, आपको ये बताना है कि प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या है टू कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट। अगर आपको एवरेज ड्यू डेट निकालना हो तो उसके प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या होंगे, एवरेज ड्यू डेट निकालने के प्रैक्टिकल स्टेप क्या होंगे ये हमें देखना है। स्टेप नंबर 1 लिखो आप, आपको डिफरेंट डिफरेंट डेट गिवन होंगी, आपको क्वेश्चन मिलेगा कुछ ऐसे कि ए ने बी से इन डिफरेंट डिफरेंट डेट पर पेमेंट लेना है, हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलेगा और फिर ये बोलेगा कि डिफरेंट डिफरेंट डेट पर डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट लेना है और आपको इनको बेस बनाकर एक एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्या करूंगा, लिखो जरा, टेक एनी डेट, पहला स्टेप होगा टेक एनी डेट एज बेस डेट।
आपको इनमें से कोई भी एक डेट को बेस बनाना होगा, कोई भी बना सकते हो। नॉर्मली फर्स्ट ड्यू डेट टेकन एज बेस डेट, आमतौर पर हम फर्स्ट ड्यू डेट को बेस डेट बना देंगे। वैसे आप किसी को भी बना सकते हो, वैसे तो आप किसी को भी बना सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन को बड़ा इजी वे से कैलकुलेट करना हो तो हम फर्स्ट ड्यू डेट को अपनी बेस डेट बना लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, एक डेट बेस डेट बनानी है। तो बेस डेट क्या होगी, बेस डेट बनाने के लिए हम कोई भी एक डेट को बेस डेट बना सकते हैं। तो जनरली मैंने बोला हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ड्यू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन को बेस डेट बना लें। ठीक है जी, स्टेप नंबर टू, बेस डेट बनाने के बाद स्टेप नंबर टू लिखिए, कैलकुलेट द ड्यू डेट फॉर ईच ट्रांजेक्शन, कैलकुलेट द ड्यू डेट फॉर ईच ट्रांजेक्शन गिवन इन द क्वेश्चन। गिवन इन द क्वेश्चन मतलब इस बात का ये है बेटे कि आपने फर्स्टली तो ड्यू डेट को बेस डेट, किसी भी एक डेट को बेस डेट बनाया, ठीक है। उसके बाद आपको हर एक ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट निकालनी होती है। जैसे इस क्वेश्चन की ड्यू डेट गिवन है कि पहली पेमेंट यहाँ आनी है, दूसरी यहाँ आनी है, तीसरी यहाँ आनी है, फोर्थ यहाँ आनी है, ये ड्यू डेट गिवन है। लेकिन बेटा जैसे जैसे आप क्वेश्चंस के वैरायटी देखेंगे तो आपको ना मैं बीआर वाले क्वेश्चन भी करूँगा, बिल्स रिसीवेबल वाले, कि जिसमें ए को बी से पैसे लेने थे, ए ने बी के ऊपर बीआर नोट किया, बी ने एक्सेप्टेंस दे दिया, कोई बीआर टू मंथ्स बाद का है, कोई थ्री मंथ्स बाद का है, कोई वन मंथ बाद का है, तो उन सबकी हमें क्या करनी पड़ेगी, ड्यू डेट निकालनी पड़ेगी पीरियड को प्लस करके। तो आपको ईच ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन ए और बी के बीच में हुई, उन ट्रांजेक्शन की, हर एक ट्रांजेक्शन की पेमेंट की ड्यू डेट क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कैलकुलेट आपको करनी पड़ेगी। मैं एक बार प्रोसीजर बता दूं, सबसे पहला काम मैं यही बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट द ड्यू डेट, सबसे पहला काम मैं आपको यही बताऊंगा। आप समझते जाओ आज की क्लास में, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रोसीजर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम लोग जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर आएंगे आप बोलेंगे सर आपने दिल निकाल के छोड़ दिया। चलिए तो अपने को ईच ट्रांजेक्शन का क्या कर लेना बेटा, ड्यू डेट निकाल लेना, ये निकाल दिया। स्टेप नंबर थर्ड लिखो, ड्यू डेट जब आपकी हर ट्रांजेक्शन की निकल जाएगी वो मैं आपको बताऊंगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट टू ड्यू डेट। आपको क्या करना होगा, बेस डेट से ड्यू डेट तक के नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने होंगे। कि बेस डेट से अगर मैं ड्यू डेट तक के नंबर ऑफ डेज चेक करूं तो कितने हैं, वो हम लोग निकालेंगे, बिल्कुल निकल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। स्टेप नंबर फोर, फाइंड आउट द प्रोडक्ट बाय मल्टीप्लाइंग द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन विद नंबर ऑफ डेज, सो कैलकुलेटेड विद ईच ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन का आपको अमाउंट और डेज का मल्टीपल करना होगा कि कितना अमाउंट कितने दिन के बाद मिलना है, उनको मल्टीपल करेंगे तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। इसी तरह से ईच ट्रांजेक्शन के लिए आपको करना होगा।
ईच ट्रांजैक्शन के लिए आपको करना होगा। स्टेप नंबर फाइव, स्टेप नंबर फाइव में हम लोग क्या करेंगे, लिखिए फाइंड आउट द टोटल ऑफ प्रोडक्ट कॉलम। जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट है उसका टोटल आप निकाल लीजिए, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कॉलम का टोटल आप निकाल लीजिए। उसके बाद स्टेप नंबर सिक्स, फाइंड आउट द टोटल ऑफ अमाउंट कॉलम। टोटल ऑफ अमाउंट कॉलम का आप क्या करेंगे, टोटल निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। स्टेप नंबर सेवन, डिवाइड द टोटल ऑफ द प्रोडक्ट बाय द टोटल ऑफ द अमाउंट कॉलम टू नो द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट। बेस डेट से कितने नंबर ऑफ डेज एक्स्ट्रा हैं उसके लिए आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लेंगे। और स्टेप नंबर एट आपके लिए सबसे इजी हो जाएगा। देखिए, हमने पहले तो अमाउंट लिया था, बेस डेट बनाया था, बेस डेट से ड्यू डेट तक के डेज निकाले थे, अमाउंट को डेज से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट का टोटल किया, अमाउंट का टोटल किया, प्रोडक्ट के टोटल को अमाउंट के टोटल से डिवाइड करके नंबर ऑफ डेज निकाले। और नंबर एट स्टेप पर कैलकुलेट, नंबर ऑफ डेज आ गए, ऐसा लिखते हैं एड नंबर ऑफ डेज कैलकुलेटेड इन बेस डेट एंड फाइंड आउट द एवरेज ड्यू डेट। हम लोग इससे क्या निकालेंगे, एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे। तो भाई इस तरह से हमें जो है ये सारे स्टेप्स लगाने हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं, प्रैक्टिकल स्टेप्स, मैं अभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनाऊंगा, आप टेंशन मत लें। मैं बहुत ही अच्छे लेवल पर आपको ये पॉइंट्स करवाने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले मैं हर एक बात को बड़ा ही इजी वे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। बेटा स्टेप नंबर वन में मैंने बोला टेक एनी डेट एज बेस डेट। सबसे पहले आपको किसी भी एक डेट को बेस डेट बना लेंगे। स्टेप नंबर टू, कैलकुलेट द ड्यू डेट फॉर ईच ट्रांजेक्शन गिवन इन द क्वेश्चन। हर एक ट्रांजेक्शन का आपको क्या करना है, ड्यू डेट जो है वो निकाल लेना, निकल जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट, आपको बेस डेट से नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, हम लोग निकाल देंगे। स्टेप नंबर फोर, फाइंड आउट द प्रोडक्ट बाय मल्टीप्लाइंग द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन विद नंबर ऑफ डेज सो कैलकुलेटेड विद ईच ट्रांजेक्शन। हर एक ट्रांजेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, प्रोडक्ट निकालना होगा, हर ट्रांजेक्शन के अमाउंट का नंबर ऑफ डेज से मल्टीपल करके आप प्रोडक्ट जो है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, स्टेप नंबर फाइव, फाइंड आउट द टोटल ऑफ द प्रोडक्ट कॉलम। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कॉलम का आप क्या करेंगे,
प्रोडक्ट कॉलम का टोटल निकालेंगे और फिर टोटल ऑफ द अमाउंट कॉलम, अमाउंट कॉलम का भी आप टोटल निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट के टोटल को अमाउंट के कॉलम के टोटल से डिवाइड करके नंबर ऑफ डेज निकालेंगे, और लास्ट स्टेप में क्या होगा, बेस डेट में एड नंबर ऑफ डेज कैलकुलेटेड इन बेस डेट, बेस डेट में ऐड करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें कैलकुलेशन करके निकाल देंगे। ये सब बातें मैंने आपको बता दी, लेकिन बेटा इन सब बातों के बाद, आप मेरी बात को समझते जाओ, इन सब बातों के बाद एक जो बात हमें समझ के चलनी होती है प्रैक्टिकल स्टेप में, सबसे पहले मैंने बोला बेस डेट बनाने के बाद कैलकुलेट द ड्यू डेट फॉर ईच ट्रांजेक्शन। मैं सबसे पहला काम आपको कैलकुलेशन द ड्यू डेट निकलवा रहा हूं बेटा, लिखिएगा आप सब लोग, कंप्यूटेशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, किसी भी ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट कैसे निकाली जाती है, कंप्यूटेशन ऑफ ड्यू डेट फॉर ईच ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट कैसे निकाली जाती है ये हमें निकालना है बेटा, ड्यू डेट कैसे निकाली जाएगी ये हमें देखना है बेटे। इसके लिए ना मैं क्या करूंगा, ये देखो जो मटेरियल मैंने आपको दिया, इस मटेरियल के फर्स्ट पेज पर मैंने जो ये स्टेप था ना, जो ये स्टेप नोट करवाए, उसमें स्टेप नंबर 2 में आप अगर देखेंगे स्क्रीन पर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डे ड्यू डेट विद ईच ट्रांजेक्शन, तो यहां मैंने 2 स्टेप बनाकर दिए हैं, लेकिन उन स्टेप को मैं आपके साथ मैन्युअली आपकी नोटबुक में नोट करवा के चलने वाला हूं, तो एक बार आप लिखिएगा, लिखो जरा, आपको उससे क्लियर होगा बेटा। नंबर वन लिखिएगा, व्हेन द इनवॉइस, केस नंबर 1 क्या हो सकता है, व्हेन द इनवॉइस ऑब्लिक बिल is made payable on a specific date, अगर ये specific date पर payable है, मतलब हमने एक bill बनाया, A ने B को sell किया और जो bill या invoice raise हुआ वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेट का हुआ, कि मैंने आज किसी को स्टॉक सेल किया और मैंने बता दिया कि फलां डेट को आपने हमें पेमेंट देना है, तो वो जो स्पेसिफिक डेट होगी, जो स्पेसिफिक डेट होगी उसी को विल बी ड्यू डेट फॉर पेमेंट, उसे हम लोग पेमेंट की ड्यू डेट मान लेंगे। पहली बात तो ये, व्हेन द इनवॉइस ऑब्लिक बिल इज मेड पेबल ऑन अ स्पेसिफिक डेट, अगर बिल का पेमेंट एक स्पेसिफिक डेट को होना है तो वो जो स्पेसिफिक डेट है बेटा वही ड्यू डेट होगी, ये बात कर चलो। नंबर टू लिखेगा, व्हेन द इनवॉइस ऑब्लिक बिल इज मेड पेबल एट स्टेटेड नंबर ऑफ डेज ऑब्लिक मंथ, मतलब हमने ये लिखा, फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिखा January 1st को ए ने बी को 1 लाख रुपए का सेल कर दिया और इसका पेमेंट आफ्टर 3 मंथ्स आना है, लेकिन बेटे मैं इसमें बीआर की बात नहीं कर रहा, इसमें मैं इनवॉइस की बात कर रहा हूँ। इनवॉइस मतलब बिल रेस करना, कोई बीआर नोट नहीं हुआ है, क्योंकि बीआर अभी मैं इससे अगला स्टेप बताऊंगा, बीआर में ग्रेस पीरियड भी प्लस करूंगा 3 डेज का, आपको याद होगा,
यहां मैं जनवरी फर्स्ट को बेटा ए ने बी को सेल कर दिया 1 लाख रुपए का, और उसके ऊपर पीरियड लिखा 3 मंथ्स कि आप मेरी पेमेंट 3 मंथ्स के बाद दे दीजिएगा। तो 1 जनवरी के 3 मंथ्स के बाद, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, तो आपकी जो ड्यू डेट होगी वो अप्रैल फर्स्ट हो जाएगी। अप्रैल फर्स्ट विल बी ड्यू डेट, अप्रैल फर्स्ट विल बी ड्यू डेट, अप्रैल फर्स्ट जो है वो आपकी ड्यू डेट होगी। आप मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है? अप्रैल फर्स्ट जो है वो आपका ड्यू डेट होगा, आप मेरे को इतना बता दो, सब लोग इतना आपको क्लियर है? चलिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अप्रैल फर्स्ट आपकी ड्यू डेट होगी, ये मैं निकाल लूंगा। इतना काम करने के बाद आगे आप सुनते जाओ, ध्यान से समझते जाओ, चीजें मैं आपको बिल्कुल डेफिनेटली क्लियर करके चलूंगा। बेटे यहां अभी तक बात सिर्फ बिल, मतलब मैंने किसी को सेल किया और उससे पैसे लेने तो मैंने बिल रेज कर दिया, कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात नहीं हो रही है, बीआर की बात नहीं हो रही है। मैंने सेल किया, पक्का बिल जो इनवॉइस रेज होता है प्रोडक्ट के लिए, वो मैंने रेज कर दिया। एक हो सकता है मैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर डेट मेंशन कर दूं, तो वो जो पर्टिकुलर डेट है वही ड्यू डेट है। और एक क्या हो सकता है, मैंने बिल बना दिया आज और उसमें क्रेडिट पीरियड अलाउड कर दिया, तो जितने पीरियड का मैंने क्रेडिट पीरियड अलाउ किया उसको प्लस करके आप ड्यू डेट निकाल सकते हैं। तीसरी बात, इसमें यह भी तो हो सकता है, लिखिएगा नंबर 3, इफ द मैं ऐसे लिखवा रहा हूं, व्हेन द बीआर बिल ऑफ एक्सचेंज इश्यू फॉर ट्रांजैक्शन अगर बीआर इश्यू किया गया ट्रांजैक्शन के लिए, ये मैं अपने तरीके से नोट करवा रहा हूं, आप नोट कर लेंगे ना तो ज्यादा बेटर है। तो ड्यू डेट आप कैसे निकालेंगे, डेट ऑफ ड्रोन जो बीआर की ड्रोन की डेट है प्लस पीरियड अलाउड जो उसमें किया गया था वो ऐड कर दें, और प्लस इसमें 3 डेज का ग्रेस प्लस करेंगे, और इन सब बातों के बाद जो बनेगा बेटे उसे आप नाम दे देंगे ड्यू डेट। इन सबको ऐड करने के बाद जो बनेगा उसे आप नाम दे देंगे ड्यू डेट। ये होगा ड्यू डेट निकालने का फंडा। ड्यू डेट क्या होगा, डेट ऑफ ड्रोन प्लस पीरियड अलाउड प्लस 3 डेज का ग्रेस। इन सबको ऐड करने से क्या बनता है बेटे, ड्यू डेट बनता है। एक आपके पास ये कंसेप्ट रहेगा। अब इन सब बातों को अगर मैं ध्यान से लेकर चलूं तो ये ड्यू डेट हमारे पास इस तरह से आएगा। इसमें भी मेरे को एक बात बतानी है, इफ द ड्यू डेट इज अ हॉलीडे, कि भाई अगर आपकी ड्यू डेट जो है वो एक हॉलीडे है, अगर आपकी ड्यू डेट हॉलीडे है, अगर आपकी ड्यू डेट हॉलीडे है, इसमें 2 केस मैं निकाल सकता। अगर आपकी ड्यू डे हॉलीडे है तो मैं इसकी 2 डेट निकाल सकता हूं, व्हेन इट इज अ पब्लिक हॉलीडे, अगर तो वो पब्लिक हॉलीडे है, और व्हेन इट इज अ एमरजेंसी हॉलीडे, या तो वो एमरजेंसी हॉलीडे है, या तो वो पब्लिक हॉलीडे है, या तो वो एमरजेंसी हॉलीडे है। बेटे अगर तो वो पब्लिक हॉलीडे है, मैं आपको बता दूं, अगर तो वो पब्लिक हॉलीडे है देन प्रीवियस डे
ऑफ ड्यू डेट बिकम ड्यू डेट से प्रीवियस डे ही आपका ड्यू डेट बन जाएगा और इट इज अ इमरजेंसी होलीडे इन दिस केस नेक्स्ट वर्किंग डे विल बी ड्यू डे। अगर इमरजेंसी हॉलीडे है तो नेक्स्ट वर्किंग डे ड्यू डेट बनेगा, अगर ये पब्लिक हॉलीडे है तो एक दिन पहले की जो डेट है वो ड्यू डेट बन जाएगी। तो इसमें भी दो केस है, अगर ड्यू डेट पर हॉलीडे है, अगर डिक्लेयर्ड हॉलीडे है पहले से तो वन डे बिफोर, अगर इमरजेंसी हॉलीडे है तो वन डे आफ्टर, ये आपके ड्यू डेट बनेंगे। ये मैंने आपको बता दिया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में 3 डेज का ग्रेस प्लस होगा। सिंपल, अगर हमने किसी को क्रेडिट सेल किया और उसके ऊपर बिल रेस किया तो आपको उसके अंदर ग्रेस पीरियड प्लस करने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग मेरे को ये वाली बात बता दीजिए, इतना आपको क्लियर है ना? अगर आपको इतना क्लियर है, ये देखिए बेटे, ये मैंने कुछ थ्योरी को बेस बनाते हुए आपको नोट करवा दिया आपकी नोटबुक में इजी वे से। अब ये देखो स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको बिना नोटबुक में नोट किए यहीं से आपको इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं करवा सकता हूं। इसमें कोई बहुत ज्यादा पेन लेने वाली बात नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक क्वेश्चन स्क्रीन पर करवा रहा हूं बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरे मटेरियल में मैंने दिया है। ये मटेरियल बेटे जो मैं आपको करवा रहा हूं ये मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए, इसमें लिखा गया फाइंड आउट द ड्यू डेट विद द फॉलोइंग इनवॉइस। अपने को ये इनवॉइस के साथ ड्यू डेट निकालना है। इसमें मैंने लिखा हुआ डेट ऑफ इनवॉइस ईयर 2013 और क्रेडिट पीरियड अलाउड। हमने उधार के लिए कितना टाइम अलाउड किया, पहला इनवॉइस हमारा 31 जनवरी का है और हमने इसमें पीरियड अलाउड किया 1 मंथ। तो बेटा 31 जनवरी के 1 मंथ के बाद ड्यू डेट क्या बने, 1 महीने बाद। वैसे तो 31 फरवरी आना चाहिए बट 31 फरवरी होता ही नहीं है, तो 30th फरवरी हो सकता था बट 30th फरवरी भी नहीं होता, 29 फेब हो सकता था, लेकिन क्योंकि हमारा ईयर कौन सा है 2013 जो कि नॉन लीप ईयर है तो 29 फेब भी नहीं होता, उससे पहले क्या आता है 28 फेब। तो अगर मैं इसके 1 मंथ के बाद बात करूं तो मेरी पूरी बात सुनिएगा, इसके 1 मंथ के बाद बात करूं तो इसके 1 मंथ के बाद 28 फेब ड्यू डेट बन सकता है। ये मेरा इसका रिप्लाई होगा। तो अगर कोई बोले कि सर 31 जनवरी को आपने 1 महीने का किसी को पीरियड अलाउड किया, आपका पेमेंट कब आ जाना चाहिए, 28 फेब को आ जाना चाहिए, लेकिन ये देखो आपने किसी को 29 जैन को कितने पीरियड का क्रेडिट अलाउड किया, 30 डेज का। तो मैं आपको याद करा दूं 29 डेज के बाद, स्क्रीन पर मेरे साथ बने रहो, 29 डेज के बाद अगर आपको 30 डेज कंप्लीट करने हैं तो बेटा 30 डेज कंप्लीट करने के लिए 29 जैन को अगर आपने लिखा तो जनवरी के कितने दिन बचे हुए हैं, 2 दिन, अभी भी कितने बच गए 28, फेब के कितने हो गए 28 तो होंगे 0। अल्टीमेटली अगर आप चेक करेंगे तो फेब 28 2013 ये बेटे आपकी बन जाएगी ड्यू डेट। आप चेक करो फेब 28 2013 ये आपकी बन जाएगी ड्यू डेट। आप मेरे को बताओ ये वाली बात क्लियर है क्या, सही है, फेब 28 2013 ये आपकी बन जाएगी ड्यू डेट। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे बेटे। फिर मेरे पास अगर आप देखेंगे थर्ड डेट है 2nd मार्च और 2nd मार्च को हमने पीरियड अलाउड किया 30 डेज। बेटे जब भी आपको कैलकुलेशन ऐसे करना हो तो आपको क्या करना होता है मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे मान लो 2nd मार्च के बाद 30 डेज है, आप ऐसा लिखो, मैं यही बता देता हूँ, 30 डेज
सेकेंड मार्च के बाद, मार्च में कितने दिन होते हैं, मार्च में कितने दिन होते हैं 31, तो मार्च के इसमें से सेकेंड मार्च के बाद बचे हुए 29 डेज, तो कितने दिन बच गए, एक। तो अप्रैल का एक दिन और माइनस करोगे तो जीरो बचेगा, दैट मीन्स अप्रैल फर्स्ट इस केस में ड्यू डेट आपकी बन रही है, इस केस में अप्रैल फर्स्ट आपकी ड्यू डेट है। लेकिन अप्रैल फर्स्ट बैंक हॉलीडे होता है, अप्रैल फर्स्ट क्योंकि 31 मार्च को बैंक की क्लोजिंग है, तो अप्रैल फर्स्ट बैंक हॉलीडे है, जो कि हमने अज्यूम कर लिया पब्लिक हॉलीडे। इसी वजह से वन डे बिफोर 31 मार्च को ही हमने क्या मान लिया, ड्यू डेट, ये हमने मान लिया इस तरह से। इसके जस्ट बाद 16 जुलाई को हमने एक बिल नोट किया 30 डेज का। अब 16 जुलाई के बाद अगर हम लोग चेक करें, जुलाई में कितने दिन होते हैं भाई, 31, तो जुलाई के 16 जुलाई के बाद कितने दिन बच गए, 15 दिन और बच गए 31 तक, अभी भी कितने दिन है, 15। फिर अगस्त में 15 डेज माइनस करके जीरो कर दो, तो यानी कि आपकी ड्यू डेट क्या बनकर आएगी बेटे, 15 अगस्त, आपकी ड्यू डेट क्या बनकर आएगी, 15 अगस्त। लेकिन आप सबको पता है इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त ड्यू डेट आपकी नहीं हो सकती, पब्लिक हॉलीडे है, तो इसलिए एक दिन पहले 14 अगस्त को ही हम लोग ड्यू डेट बना देंगे। बेटे इसी तरह से अगर हमने 30 जून को एक बीआर नोट किया और उसमें पीरियड अलाउड किया 3 मंथ्स, 30 जून के 3 मंथ्स के बाद 30 जुलाई, 30 अगस्त, 30 सितंबर, 30 सितंबर फिर से मैंने यहाँ बनाया हुआ है, पब्लिक हॉलीडे होता है, बैंक हॉलीडे होता है, इसलिए हमने एक दिन पहले इसको क्या बना दिया, ड्यू डेट बना दिया। और इसी तरह से 26 दिसंबर को हमने एक बीआर नोट किया 1 मंथ बाद का, तो 26 दिसंबर के जस्ट 1 मंथ बाद 26 जनवरी आ जाएगा। लेकिन फिर वही बात, 26 जनवरी रिपब्लिक डे होता है, तो 26 जनवरी रिपब्लिक डे है, पब्लिक हॉलीडे है, इसलिए वन डे बिफोर यानी के 25 जनवरी ये आपकी ड्यू डेट बन जाएगी। लेकिन ये बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस नहीं है, स्क्रीन पर आप देखोगे इसमें मैंने ग्रेस पीरियड प्लस नहीं किया क्योंकि इसमें बीआरबीपी की बात नहीं दी गई है। अच्छा जी, उसके बाद इससे जो नेक्स्ट वाला केस है आप इसमें देखोगे तो ये बिल्स रिसीवेबल का केस है। बेटे बिल्स रिसीवेबल के बारे में पूरी बात वैसे तो मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में पढ़ा दूंगा बढ़िया लेवल पर, लेकिन अगर बीआर का केस आएगा तो मैं आपको बता दूं, बीआर के केस में आपको ये देखेगा इसने A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 10 बिल नोट किए हैं। इसमें डेट ऑफ ड्रॉइंग बीआर नोट किस दिन किया गया ये गिवन है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस बीआर को सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्टेंस कैसे किया, कौन सी डेट को किया ये गिवन है, और यहां लिखा हुआ है पेबल। पेबल का मतलब कि भाई आपका पेमेंट कब होना है। मैं आपको एक बात बता दूं, यहां देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है आफ्टर डेट, 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 इसमें लिखा हुआ है आफ्टर साइट, और इसमें लिखा हुआ है 1 मंथ, इसमें लिखा हुआ है ऑन डिमांड, एट साइट, एट प्रेजेंटमेंट। तो ये जो केस है ना, ये हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पता लगेंगे कि भाई ये आफ्टर साइट का क्या मीनिंग है, आफ्टर डेट का क्या मीनिंग है। तो यहां मैं थोड़ा सा आपको एक मिनट के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं, लिख लो आप सब लोग। इन द केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन द केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अगर हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं तो भाई पहली बात, अगर क्वेश्चन में लिखा हो इफ बिल
आफ्टर डेट लिखाओ। तो बेटे ड्यू डेट स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ ड्रोन। अगर बिल आफ्टर डेट लिखा है, इसने बोला बिल आफ्टर डेट, तो ड्यू डेट डेट ऑफ ड्रोन से स्टार्ट होगी। अगर लिखा गया इफ बिल आफ्टर साइट, बेटे अगर बिल आफ्टर साइट है तो ड्यू डेट स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। और नंबर थ्री, इफ बिल एट साइट ओब्लिक ऑन डिमांड ओब्लिक ऑन प्रेजेंटमेंट, अगर ये है बिल एट साइट है ऑन डिमांड ऑन प्रेजेंटमेंट, अगर ये लिखा गया तो बेटे ड्यू डेट डेट ऑफ डिमांड, जो डेट ऑफ डिमांड होगी वही मान ली जाएगी। नो ग्रेस पीरियड, जो डेट ऑफ डिमांड होगी उसी को हम लोग मान लेंगे और इसमें किसी तरह का कोई ग्रेस पीरियड वगैरह प्लस नहीं होगा, ऐसा बोला गया बिल ऑफ एक्सचेंज में। इसका डिटेल मैं आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ाकर चलूंगा, ये बात आप मानकर चलिएगा बेटा। आप जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक जिन लोगों ने मेरे साथ पढ़ लिया उनको पता है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो जब मेरे साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक डिस्कस करेंगे वहां मैं इन सब टॉपिक्स के बारे में डिटेल से आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूंगा। बेटे अगर मैं इन सब बातों को ध्यान रख के चलूं तो मैं आपको ये बात बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर कर दूं कि टाइप्स ऑफ बिल इस तरह के हो सकते हैं। बेटे टाइप्स ऑफ बिल इस तरह के होने के बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको बताता हूं। अगर मैं वापस से उसी क्वेश्चन पर लेकर आता हूं तो ये देखिएगा, जैसे कि यहां 31 जनवरी 2013 को एक BR हमने नोट किया, एक्सेप्टेंस ये इस डेट को हुआ है, लेकिन ड्यू कब है, 1 month लेटर और आफ्टर डेट है, तो इसका मतलब ये डेट ऑफ ड्रोन से स्टार्ट हो जाएगा। तो 31 जनवरी से 1 month के बाद, पूरे 1 month के बाद कौन सी ड्यू डेट आएगी, 31 फेब। बट जैसा आपको पता है 31 फेब नहीं होती है, 30 फेब नहीं होती है, 29 फेब नहीं है 2013 में, तो 28 फेब। अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं 31 जनवरी के बाद अगर किसी ने 1 month का BR नोट किया है आफ्टर डेट वाला, तो बेटे आपकी ड्यू डेट कैसे निकलेगी, ये देखिएगा 31 जैन प्लस 1 month प्लस 3 days का बेटे इसमें क्या होगा, ग्रेस पीरियड प्लस होगा। तो 31 जैन के 1 month के बाद 28 फेब आएगा प्लस इसमें 3 days का ग्रेस प्लस करेंगे तो 3 मार्च, ये आपकी ड्यू डेट हो, 3 मार्च आपकी ड्यू डेट हो, 3 मार्च आपकी ड्यू डेट होगी, ये बात आप मान के चलिए। तो 3 मार्च आपकी ये ड्यू डेट मैंने इसकी बेटे बना दी, सही बात है। इसी तरह से ईच एंड एवरी BR में आप क्या करेंगे, जो भी डेट्स हैं उसमें आप डेज प्लस करो, डेज प्लस करके 3 days का ग्रेस प्लस करो, और 3 days का ग्रेस प्लस करने के बाद जो ड्यू डेट बनेगी उसे हम लोग बेसिकली ड्यू डेट मानकर चलेंगे। अगर वो पब्लिक हॉलीडे है तो 1 day before, अगर वो इमरजेंसी हॉलीडे है तो 1 day after, अदरवाइज उसी डेट को हम लोग ड्यू डेट बना करके चलेंगे। तो हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट वो मैंने आपको बता दी। बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बड़े आसानी से, ये टॉपिक मैं फिर कह रहा हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सेम क्वेश्चन आपको वहां भी मिलेगा। अब आप मेरी बात को समझिएगा ध्यान से,
मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ा दिया, अब मैं टॉपिक पर बढ़िया लेवल पर आपको लेकर आने वाला हूं। सुनो, मेरे पास क्या टॉपिक बना, अभी तक मैंने आपको क्या बता दिया, पहले एक बार के लिए समझ लें। बेटे, मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट करवाया एवरेज ड्यू डेट। मैंने बोला आपके सीए फाउंडेशन में 5 नंबर का ये टॉपिक आएगा। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि भाई एवरेज ड्यू डेट क्या है। आप बोले सर एक बार कोई एग्जांपल बता दो। तो मैंने एक एग्जांपल सेट किया कि मिस्टर ए एक सेलर है और मिस्टर बी एक बायर है। मिस्टर ए सेलर ने मिस्टर बी बायर को 1 लाख रुपए का स्टॉक सेल कर दिया और सेल करने के बाद, सेल ऑफ गुड्स के बाद ये बोला गया, क्रेडिट सेल हमने कर दिया। उसके बाद हमने ये बोला कि भाई आप जो ये पेमेंट है ये कब दोगे, तो बोला गया फर्स्ट पेमेंट 15 मार्च को, सेकंड पेमेंट 30th मई को, थर्ड पेमेंट 15 जुलाई को और फोर्थ पेमेंट 31st अक्टूबर को, इस तरह से हम आपको पेमेंट देंगे। मैंने बोला भी क्यों ना एक ड्यू डेट निकाल ली जाए जिसमें ना ए का लॉस हो ना बी का लॉस हो और एक ही डेट पर सारी पेमेंट आ जाए। तो हमने इसके बारे में पढ़ा और मैंने एवरेज ड्यू डेट निकालने का आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स बता दिए कि किस तरह से आप एवरेज ड्यू डेट निकाल सकते हैं। मैंने बोला सबसे पहले आपको क्या करना है, बेस डेट लेनी है, ले लेंगे सर। फिर आपने स्टेप ड्यू डेट फॉर ईच ट्रांजेक्शन इन द गिवन क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में आपको जो ईच ट्रांजेक्शन है उसकी ड्यू डेट निकालनी है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट, बेस डेट से नंबर ऑफ डेज आपको निकालने हैं, निकल जाएंगे सर। उसके बाद आपको प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है अमाउंट को और डेज को, मल्टीप्लाई करके आपने प्रोडक्ट निकालना है, हो जाएगा। प्रोडक्ट निकालने के बाद प्रोडक्ट के टोटल को करना है और फिर अमाउंट के टोटल को करना है। प्रोडक्ट के टोटल को अमाउंट के टोटल से डिवाइड करके नंबर ऑफ डेज निकालने और उसके बाद बेस डेट जो आपने बनाई थी उसमें नंबर ऑफ डेज को ऐड करके एवरेज ड्यू डेट आपको कैलकुलेट कर लेना है। ये प्रोसीजर मैंने आपको बताया जो कि हमें समझना है बेटा। लेकिन मैं आपके साथ जब एवरेज ड्यू डेट के क्वेश्चंस करूंगा स्टार्ट, ड्यू डेट कैसे निकालते हैं वो मैंने बता दिया। अब आपके सामने जब इस चैप्टर को मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा ना बेटा, तो मेरे पास टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स मेरे सामने क्या आएंगी वो मैं आपको बता दूं। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जब मैं ये चैप्टर आपके साथ बेटा डिस्कस करूंगा, जब ये चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो मेरे सामने 4 अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स मैं लेकर चलूंगा। देर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। फर्स्ट वन, कैलकुलेशन ऑफ, आपके लिए बहुत जरूरी है लिखना, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर वन पार्टी इन्वॉल्व, वेयर वन पार्टी इज इन्वॉल्व। मतलब ये कि ऐसे केस जिसमें एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से पैसे लेने में बात खत्म, भी ए ने बी से लेने, जो मैंने एग्जांपल बताया वो इसी का था कि ए ने बी से पैसे लेने डिफरेंट डिफरेंट डेट पर और हमें उसकी एवरेज ड्यू डेट निकालनी है, सही है। नंबर टू, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट व्हेन वेयर द ट्रांजेक्शंस बिटवीन, वेयर द ट्रांजेक्शंस बिटवीन टू पार्टीज आर इन्वॉल्व, टू पार्टीज आर इन्वॉल्व। जब दो पार्टी इन्वॉल्व हो बेटा, जब आपकी ट्रांजेक्शन में दो पार्टी इन्वॉल्व हैं तब हम लोग ड्यू डेट निकालेंगे। मतलब ए और बी दो लोग हैं, ए ने बी से डिफरेंट डिफरेंट डेट पर पैसे लेने, बी ने भी ए से डिफरेंट डिफरेंट डेट पर पैसे लेने, तो ऐसी सिचुएशन में
ड्यू डेट कैसे निकाली जाएगी वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें वैसे इस सिचुएशन में कंसेप्ट और भी आता है लेजर बनाने का, जिसे हम लोग नाम देंगे अकाउंट करंट, वो इससे नेक्स्ट टॉपिक है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। नंबर थर्ड, कैलकुलेशन द एवरेज ड्यू डेट वेयर द अमाउंट इज रीपेड इन इंस्टॉलमेंट। अगर हमें इंस्टॉलमेंट में अमाउंट रीपेड करना हो तो उस सिचुएशन में किस तरह से एवरेज ड्यू डेट निकाली जाएगी हम लोग सीखेंगे। ऐसा हायर परचेज सिस्टम पर होता है, हमने किसी से कोई पैसा उधार लिया या हमने किसी से लोन करवाया और अगले सालों में हमें उसका इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देना था, तो बजाय हम उसके एक ही इंस्टॉलमेंट में सारा अमाउंट पे कर दें। और लिखेगा कैलकुलेशन द एवरेज ड्यू डेट, कैलकुलेशन द एवरेज ड्यू डेट फॉर डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये वाला टॉपिक थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने पहले पढ़ा है, आपको याद होगा एक कंसेप्ट आप लगाते थे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में एवरेज पीरियड के लिए, कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय 2। ये इंस्टॉलमेंट का एवरेज निकालने वाला कंसेप्ट आप 12th क्लास में पार्टनरशिप फंडामेंटल में पढ़कर आए हैं, वही वाला टॉपिक, कुछ ऐसा ही टॉपिक मैं आपको यहाँ अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो स्क्रीन पर आपको मैंने बता दिए 4 केस। पहला केस जहां एक पार्टी इन्वॉल्व है, दूसरा केस जहां दो पार्टी इन्वॉल्व है, तीसरा केस जहां पेमेंट आपको इंस्टॉलमेंट्स में करना हो, और फोर्थ केस जहां आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कंप्यूटेशन करने के लिए एक एवरेज ड्यू डेट निकालनी हो। एक एक करके सब केसेस के बारे में बहुत डिटेल से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा बहुत अच्छे लेवल पर। आप मेरे साथ बने रहें लगातार, आपको मैं एक एक पॉइंट बहुत अच्छे लेवल पर क्लियर करूंगा। सबसे पहला केस मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने वाला हूं, केस नंबर 1 जो मैं आपके लिए सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूं, केस नंबर 1 लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट व्हेन वन पार्टी इन्वॉल्व। अगर बेटे एक पार्टी इन्वॉल्व है, अगर केवल एक पार्टी इन्वॉल्व है और अगर हमें वहां एवरेज ड्यू डेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। कैलकुलेशन व्हेन द ओनली वन पार्टी इज इन्वॉल्व, केवल एक पार्टी अगर इन्वॉल्व है तो हम कैसे करेंगे बेटे। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल यहां बनवा कर देता हूं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो बनाएंगे। स्क्रीन पर आपको मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटे, आपको जो मटेरियल मैंने दिया है उसका ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। 1 और 2 अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन को बेस बनाकर ही मैं चलूंगा। ये देखिएगा, एक्स परचेज द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम वाई, एक्स ने वाई से ये गुड्स परचेज की हैं इन इन डेज में। पहले उसने 31 जनवरी को स्टॉक परचेज किया 1000 का, जिसमें उसको क्रेडिट पीरियड अलाउड किया गया 30 डेज का। नंबर 2, 31 जनवरी को सेल हुआ है 2000 का, जिसमें क्रेडिट पीरियड अलाउड हुआ है 1 मंथ का।
13 जुलाई को 1000 का परचेज किया, जिसमें क्रेडिट पीरियड अलाउड हुआ 30 डेज का, और 28 सितंबर को 1000 का अमाउंट फिर परचेज किया और जिसके लिए पीरियड अलाउड हुआ 3 मंथ्स। ये बोलते हैं वाई एग्री टू ड्रॉ अ बिल फॉर द टोटल अमाउंट ड्यू ऑन एवरेज ड्यू डेट, असर्टेन द टेकिंग ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजेक्शन एज बेस डेट। इसने अलग अलग केस पूछ लिए कि अगर मैं फर्स्ट ड्यू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन को बेस डेट बनाकर ये क्वेश्चन करूं, अगर मैं जनवरी फर्स्ट को बेस बनाकर ये क्वेश्चन करूं, अगर मैं अप्रैल फर्स्ट को बेस डेट बनाकर ये क्वेश्चन करूं, और अगर मैं लास्ट डेट ऑफ ट्रांजेक्शन को बेस बनाकर ये क्वेश्चन करूं, तो आपको इसकी एवरेज ड्यू डेट जो है वो कैलकुलेट करनी है। मैं बिल्कुल कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने हमें बेस डेट क्या लेना है वो तो क्वेश्चन में 4 अलग अलग केस में बता दिया। आप मेरे को सब ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट निकाल करके सबसे पहले बताओ, हर एक ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट क्या होगी आपको सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है। आप मेरे को एक बात बताइए, 2012 की बात है, 2012 जो है वो लीप ईयर होता है, ये वाली बात आपको ध्यान रख के चलनी है बेटा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, 30 जनवरी 2012 को आपने एक बीआर नोट किया 30 डेज का। अब 30 जनवरी के 30 डेज के बाद कौन सी डेट आएगी, जनवरी का एक दिन, फरवरी के 29 दिन, क्योंकि लीप ईयर है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसकी ड्यू डेट 29 फेब 2012 ही बन जाएगी। ये मैंने स्क्रीन पर ही लिख दिया, इसकी ड्यू डेट क्या बन जाएगी, 29 फेब 2012 मेरे लिए इसकी ड्यू डेट बन जाएगी। सेकंड ट्रांजेक्शन 31 जनवरी को हमने प्रोडक्ट सेल किया 1 मंथ का, तो 31 जनवरी के 1 मंथ के बाद, 31 फरवरी आ सकती थी लेकिन 31 फरवरी नहीं है, तो 30 फेब वो भी नहीं है, तो 29 फेब। सेकंड ट्रांजेक्शन जो है इसकी ड्यू डेट भी फेब फर्स्ट 2012 ही होगी। उसके बाद अगर मैं 30 जुलाई को एक बीआर नोट करता हूं 30 दिन का, तो जुलाई के 13 जुलाई के 30 दिन के बाद, 30 दिन पूरे करवा रहा हूं, ये देखो यहां जुलाई में दिन होते हैं बेटे 31, तो 13 जुलाई के बाद 18 डेज तो बढ़ गए जुलाई के, अब बच गए 12, तो जुलाई के बाद अगस्त के 12 दिन माइनस करके जीरो करो, तो प्रैक्टिकली मेरे लिए इसकी ड्यू डेट 12 अगस्त 2012 ये बन जाएगी। और इसी तरह से अगर मैं आपकी ये 28 सितंबर वाली बात करूं, तो 28 सितंबर से 3 महीने बाद कौन सी डेट बनेगी, 28 अक्टूबर, 28 नवंबर, 28 दिसंबर, ये मेरी ड्यू डेट बन जाएगी इस ट्रांजेक्शन के लिए। तो बेटे मेरे पास 4 ट्रांजेक्शन है और चारों ट्रांजेक्शन के लिए अमाउंट गिवन है और इनके ड्यू डेट भी मैंने निकाल दिए। अब आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूं मेरी वर्कशीट पर। एक्स ने वाई से परचेज किया है, एक्स परचेज गुड्स फ्रॉम वाई, एक्स ने वाई से गुड्स परचेज किया। मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3rd, आपके मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 3rd करने जा रहा हूं। इनमें जो ड्यू डेट है, सुनिए, 4 ट्रांजेक्शन हुई, चारों ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट क्या है मैं पहले वो ले रहा हूं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट है 29 फेब 2012, फर्स्ट ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट है 29 फेब 2012, सेकेंड ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट भी 29 फेब 2012, थर्ड और फोर्थ, ये लीजिए, थर्ड ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट है 12 अगस्त
और फोर्थ की है 28 दिसंबर, थर्ड की है 12 अगस्त और फोर्थ ट्रांजैक्शन की है 28 दिसंबर 2012। ये ड्यू डेट्स हैं बेटे, ये डिफरेंट डिफरेंट डेट की ड्यू डेट्स हैं। ये बताओ पहले तो मेरे को ये समझ में आ रहा है क्या, ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट्स हैं। अच्छा मैं इनके अमाउंट लिख लेता हूँ, मैं इनके अमाउंट लिख लेता हूँ बेटे। अगर मैं अमाउंट की बात करूँ तो डिफरेंट डिफरेंट डेट पर डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट की बात कर लेता हूँ। तो अमाउंट फर्स्ट ट्रांजेक्शन का था बेटे 1000, सेकेंड ट्रांजेक्शन का है 2000, थर्ड ट्रांजेक्शन का है 1000 और फोर्थ ट्रांजेक्शन का भी है 1000। ये मेरे पास यहाँ मेरी स्क्रीन के अलावा भी है, मेरे पास मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में, वहां से मैंने देख के लिख लिया। ये ईच ट्रांजेक्शन का क्या अमाउंट है वो मैंने लिख लिया बेटे। चलो अमाउंट आ गया। अब पहला जो केस था उसमें बेस डेट आपको किसको बनाना है, फर्स्ट ड्यू डेट हमारी बेस डेट होगी ऐसा बोला गया था, और फर्स्ट ड्यू डेट है 29 फेब 2012। इसे ही मैंने क्या बना दिया, बेस डेट मैंने इसमें बना दिया, इसको हमने क्या बना दिया बेटे, बेस डेट बना दिया। आप बोलेंगे सर ये बिल्कुल सही है, तो अब मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट टू ड्यू डेट, बेस डेट से और ड्यू डेट तक के डेज कितने हैं वो निकाल लो। अब अगर मैं बेस डेट से ड्यू डेट तक के डेज निकालूंगा तो पहले वाले में तो जीरो डेज ही आ जाएंगे, क्योंकि 29 ही तो फेब ड्यू डेट है और 29 फेब भी बेस डेट है। सेकंड में भी जीरो आ जाएंगे क्योंकि इसमें भी 29 फेब ही है। लेकिन अगर थर्ड की मैं बात करूं, 29 फेब को अगर मैं बेस बनाऊंगा तो फेब तो गया, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31 और अगस्त के 12, इतने दिन हमारे ये बन जाएंगे। और अगर फोर्थ वाले केस में 29 फेब से 28 दिसंबर तक 29 फेब को मैंने बेस डेट बनाया और ड्यू डेट है 28 दिसंबर, तो 29 फेब के बाद मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और दिसंबर के 28, 28, 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 12, बेटा ये हो गए 165 डेज, और ये हो गए 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 28, ये डेज हो गए 303, ये वैल्यू आ गई, सही बात है। तो अमाउंट मैंने निकाल लिया, डेज मैंने निकाल लिए, अब मैं क्या करूंगा बेटे, अब मैं निकालूंगा प्रोडक्ट, अब मैं निकालूंगा प्रोडक्ट। अमाउंट को डेज से मल्टीपल करेंगे जीरो, अमाउंट को डेज से मल्टीपल करेंगे जीरो, अमाउंट को डेज से मल्टीपल करेंगे 1,65,000 और अमाउंट को डेज से मल्टीप्लाई करेंगे 3,03,000, ये वैल्यू आ गई। अगर हम लोग बात करें 165,303,000, ये वैल्यू आ जाएगी 468, ये वैल्यू आ गई, और टोटल ऑफ द अमाउंट ये आ गया इतना। ये देखो आप, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपन ने निकाल लिया, टोटल ऑफ द अमाउंट निकाल लिया। अब बेटे अगर मैं इसमें ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट निकालने की बात करूं, ये देखो आप, अगर मैं इसमें एवरेज
ड्यू डेट निकालने की अगर मैं बात करूं तो हम लोग क्या करेंगे बेटे, बेस डेट लेंगे प्लस टोटल ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ द अमाउंट, इससे कैलकुलेशन करेंगे। आप क्या करो, बेस डेट लो। आपकी बेस डेट क्या है बेटे, बेस डेट हमने बनाई 29 फेब प्लस टोटल ऑफ द प्रोडक्ट ये है 4,68,000 डिवाइड बाय टोटल ऑफ द अमाउंट ये है 5,000। 468 डिवाइड बाय 5,000 करते हैं तो ये वैल्यू आती है बेटे 91.6 डेज और राउंड ऑफ करके 94 डेज ये वैल्यू आती है। 29 फेब में आप 94 डेज प्लस कर देंगे आपकी ड्यू डेट निकल आएगी। अब आपको 29 फेब के बाद अगर 94 डेज पूरे करने हो तो बेटे फेब 29 तक तो गया, फेब के तो दिन बचे नहीं है, मार्च के कितने दिन माइनस कर दो 31, 94 में से 31 माइनस किया अभी भी 63 डेज बचे हुए हैं। अप्रैल के माइनस कर दो 30 डेज अप्रैल में है अभी भी कितना बच गया 33, मई में 31 डेज हैं वो भी माइनस कर दो अब कितने दिन बच गए 2, तो जून के 2 दिन। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो 2 जून 2012 बेटे इस केस में ये आपकी एवरेज ड्यू डेट बनेगी, इस केस में ये आपकी एवरेज ड्यू डेट आपकी बनेगी। आप बोलेंगे सर ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, जो स्टेप आपने लिखवाए थे वही सारे स्टेप हमने लगाए। आपने लिखवाया था सर सबसे पहले चेक कर लो कि पहले तो बेस डेट लेनी है वो हमने ली, ईच ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट लेनी है वो हमने ली, बेस डेट से ड्यू डेट तक के डेज निकालने हैं ईच ट्रांजैक्शन के वो हमने निकाले, अमाउंट को डेज से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालना है ये हमने निकाला, प्रोडक्ट का टोटल करना है ये हमने निकाला, अमाउंट का टोटल करना है ये हमने निकाला, टोटल और प्रोडक्ट को टोटल ऑफ अमाउंट से डिवाइड करके नंबर ऑफ डेज निकालने ये हमने निकाले, और बेस डेट में आपने नंबर ऑफ डेज प्लस करके ड्यू डेट निकालना है एवरेज ड्यू डेट, तो ये हमारा एवरेज ड्यू डेट आ गया। बड़ा ही आसान काम है, बड़ा ही सिंपल सा काम है जो आपको समझना था। इतनी वर्किंग करने के बाद आप सुनते जाएं समझते जाएं, इतनी वर्किंग करने के बाद बेटा ये एवरेज ड्यू डेट का एक फंडा आ गया। उसके बाद आपको क्या करना होता है, इसी क्वेश्चन को जब मैंने स्क्रीन पर आपको बताया था तो इसमें बोला गया था कि भाई ड्यू डेट आपने फर्स्ट ट्रांजैक्शन को बेस बना करके चलना है। अगर मैं जनवरी फर्स्ट 2012 को बेस बना लूं सर क्या इसके बाद भी मेरा आंसर सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, आपके अमाउंट बदल जाएंगे प्रोडक्ट बदल जाएंगे ना बेटा। अगर जनवरी फर्स्ट के बाद अगर जनवरी फर्स्ट को बेस बनाकर मैं चलूं तो क्या सर आंसर सेम आना चाहिए, मैं कह रहा हूं सर बिल्कुल सेम आएगा, क्यों नहीं आएगा। आप बोले सर कैलकुलेट करके दिखा दो, ये लो एक बार हम लोग जनवरी फर्स्ट को बेस बना लेंगे। इसी में मैं क्या करता हूं केस नंबर 2 बना लेता हूं, इसी में मैं केस नंबर 2 बना लेता हूं और इसमें मैं बेस डेट, इसमें मैं बेस डेट जनवरी फर्स्ट 2012 बना लेता हूं। और मेरे पास क्योंकि 4 ट्रांजैक्शन थी, चारों ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट क्या थी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट थी 29 फेब 2012, सेकंड ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट भी थी 29 फेब 2012, थर्ड की ड्यू डेट थी मेरे पास
12 अगस्त 2012 और लास्ट की थी 28 दिसंबर 2012। ये चार हमारे पास ड्यू डेट थी और इन ड्यू डेट पर फर्स्ट का अमाउंट 1000, सेकंड का 2000, थर्ड का फिर से 1000 और फोर्थ का 1000। ये चारों के ड्यू डेट आ गए, सॉरी अमाउंट आ गए, ये ड्यू डेट आ गई। आप बोलेंगे सर ये दोनों चीजें क्लियर हैं, मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट टू ड्यू डेट ये निकालेंगे। अगर हम लोग बेस डेट बनाते हैं जनवरी फर्स्ट को, तो यहां देखिए जनवरी के 30 दिन क्योंकि 31 दिन है, तो 1 जनवरी के बाद 30 दिन बच गए, फरवरी के 29, मार्च के, अरे मार्च के कहां, ये तो यही आ गए ना, ये हमारे पास पहले वाले केस में बेस डेट जनवरी फर्स्ट, ड्यू डेट ये, इसमें भी बेस डेट जनवरी फर्स्ट और फरवरी के 29, 12 अगस्त वाली में जनवरी के 30, फरवरी के 29, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31 और अगस्त के 12। इसकी बात करें तो 30th जनवरी के, फरवरी के 29, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और दिसंबर के 28। ये वैल्यू आ जाएगी जी, ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। तो अगर मैं देखूं 30 प्लस 29, ये वैल्यू आ जाएगी 59, 30 प्लस 29, ये वैल्यू भी आ जाएगी 59, 30 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लus 30 प्लस 31 प्लस 12, ये डेज आ जाएंगे 224 और इधर 30 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 28, ये वैल्यू आ जाएगी 362 डेज। ये 362 आ गए, ये हमारे पास 224, ये 59 और ये 59, ये वैल्यू आ गई। अगर मैं इनको मल्टीपल कर दूं तो प्रोडक्ट निकालेंगे बेटे, प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये कितने आ गए 59,000, ये कितने आ गए 2,000 × 59, अगर ये वैल्यू निकालोगे 1,18,000, 1,000 × 224 तो 2,24,000 और ये वैल्यू आ जाएगी 3,62,000। अगर आप इस सबको ऐड करो 59,000, 1,18,000, 2,24,000 और 3,62,000 तो ये वैल्यू आ जाएगी 7,63,000, ये वैल्यू आ जाएगी और ये अमाउंट आ जाएगा 5,000, ये अमाउंट आ जाएगा 5,000। अगर बेटे आप इनको ऐड करके चलो तो बेटे हमारे पास एवरेज ड्यू डेट क्या कैलकुलेट होगा, एवरेज ड्यू डेट हमारे पास कैसे कैलकुलेट होगा, सेम कंसेप्ट आपको लगा लेना है। आप बेस डेट लो, बेस डेट प्लस टोटल ऑफ द प्रोडक्ट, बेस डेट में टोटल ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ द अमाउंट, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ द अमाउंट। बेस डेट हमारे पास क्या थी, जनवरी फर्स्ट, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट क्या था,
7,63,000, टोटल ऑफ द अमाउंट क्या था 5,000। अगर आप इसको डिवाइड करके चलेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 152.6 डेज, या तो आप इसको 153 डेज कर लो। अब अगर ये आएगा तो ये लो जी 153 डेज कंप्लीट करवाओ जनवरी फर्स्ट के बाद, जनवरी के कितने दिन बच गए 123 डेज बच गए, फेब में कितने दिन है 29 ये गया, तो फेब में 123 माइनस 29 ये 94 डेज बच गए। उसके बाद मार्च में अगर हम लोग बात करें 31 डेज, तो 94 माइनस 31 ये वैल्यू आ गई 63। अप्रैल के हम लोग बात करें 30 डेज, तो ये वैल्यू आ गई 33 डेज। मई के हम लोग बात करें 31 डेज, ये माइनस कर दो तो दो दिन अभी बच गए, और जून के दो दिन भी माइनस करेंगे तो जीरो। यानी कि अगर कुल मिलाकर मैं डेज चेक करूं तो यहां भी मेरी ड्यू डेट क्या बनेगी बेटे, 2 जून 2012 ये मेरी ड्यू डेट बनेगी। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं किसी भी डेट को बेस डेट बना लूं, चाहे तो मैं फर्स्ट ड्यू डेट को बेस डेट बना लूं, और चाहे तो मैं किसी भी तरह से बेस डेट बनाऊंगा, तो आंसर इसी तरह से कैलकुलेट होकर आएगा। आप मेरे को इतना बताओ जरा, इतना सबको क्लियर है क्या, इतना आप सब लोगों को क्लियर है क्या, ये मेरी ड्यू डेट बन जाएगी बेटा। अब अगर आप मेरे को ये बताएं इतना वर्किंग करने के बाद, देखो मैं आपको इसके बाद प्रैक्टिकली क्या करूंगा, आप मेरी बात को समझिएगा, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 मेरे ही मटेरियल में है वो करवा रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूं। इसमें और भी केस हैं, वो आप बनाकर देख लेना यार, सेम आंसर आएगा। इसमें अलग अलग डेट को ड्यू डेट बनाया गया, वो आप कर लीजिएगा, आपका सॉल्यूशन बड़ा मजे में हो जाएगा। आप भी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें मैंने लिखा कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें बेस डेट मैंने दे दिया, सम ऑफ द प्रोडक्ट दे दिया, सम ऑफ द अमाउंट दे दिया। ये तो वैसे ही आसान सा क्वेश्चन मैंने बीच में दिया हुआ है, मतलब आप यूं कह लो कि जो अल्टीमेटली डेटा आप लास्ट स्टेज के लिए निकालते थे वही दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाने की, तो फॉर्मूला होता है बेटे बेस डेट प्लस टोटल ऑफ द प्रोडक्ट, बेस डेट में टोटल ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ द अमाउंट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट को टोटल ऑफ अमाउंट से अगर आप डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी। लेकिन बेटे अगर मैं बात करूं बेस डेट, आपकी बेस डेट क्या है, 1 अप्रैल, ये आपकी बेस डेट है, प्लस ये देखिएगा 7,02,000 डिवाइड बाय 20,000, 7,02,000 डिवाइड बाय 20,000 ये वैल्यू आ गई, 7,02,000 डिवाइड बाय 20,000 ये वैल्यू आ गई 35.1 डेज, या तो राउंड ऑफ करके इसको हम लोग ले लेंगे 36 डेज। बेटे अगर मैं इसके बाद बात करूं 36 डेज की, तो आप ये देखिएगा 36 डेज में अप्रैल के कितने दिन बच जाएंगे बेटा। अगर मैं बात करूं अप्रैल के, इसमें आपके पास 36 है ना, अप्रैल फर्स्ट को तो बेस डेट इसने बना लिया, तो अप्रैल फर्स्ट के इसमें आ जाएंगे 30 अप्रैल है तो 9 डेज। यहां एक बात और है जो मैं आपको इसमें बताने वाला हूं, इसमें बेटा अप्रैल के ना 30 डेज टोटल लेने पड़ेंगे, उसका एक कारण है। उसका एक कारण क्या है कि इसने ना प्रीसीडिंग डेट को बेस डेट बना लिया,
तो प्रीसीडिंग डेट यानी कि पहले से चलती आ रही है, क्योंकि पेमेंट पहले से है, इन्होंने बेस बनाया है इसको, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 30th डेज तो अप्रैल के लेके चलेंगे, प्रीवियस यानी कि 31 मार्च की जो पेमेंट थी उसको इन्होंने अप्रैल 1st की ड्यू डेट बना लिया, तो अप्रैल के पूरे 30 दिन लेकर चलेंगे, और 6 डेज जो बच गए वो मई के काउंट हो जाएंगे, मई 6, तो अल्टीमेटली 0। इस अजम्पशन के बिहाफ पर इन्होंने मई 6 डेट जो है वो निकाली है। अगर मैं ये अजम्पशन ना लगाऊं और अप्रैल 1st को बेस बनाकर फ्रेश चलता हूं, तो उस सिचुएशन में 7th मई इसका ड्यू डेट बनेगा। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, जैसे मान लो ये 35.1 डेज है, तो उसको 36 डेज ही लेना है। आप बोलेंगे सर 0.5 से कम हो तो एक दिन कम रखना होता है, बेटा वो अमाउंट में रखना होता है, डेज में नहीं रखना होता है। डेज में तो आपको पूरे, अगर सिंगल पॉइंट भी आ गया तो वो नेक्स्ट डे पे कन्वर्ट हो जाएगा, ये बात आप मानकर चलिएगा। अगर सिंगल पॉइंट भी आ गया तो वो नेक्स्ट डे पे शिफ्ट आपको करेगा। बेटे इतनी वर्किंग करने के बाद अगर मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 4 के बाद, अब मैं इसमें जो कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं वो क्या, बेटे जो आपकी एवरेज ड्यू डेट निकल कर आई, अगर एवरेज ड्यू डेट से पहले या एवरेज ड्यू डेट के बाद अगर पेमेंट की डेट्स बनती हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा ये हमें देखना होता है। तो ये देखिएगा, एवरेज ड्यू डेट से पहले अगर हम पेमेंट करेंगे या बाद में पेमेंट करेंगे, तो इंटरेस्ट फैक्टर जो है वो पक्का काम करेगा। आप ये देखिएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इफ एक्स डिजायर टू पे होल ऑफ द अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% ऑन June 30। जबकि एवरेज ड्यू डेट कब है बेटा, 6th मई, और अमाउंट ड्यू कितना है, 20,000। मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं, मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें मैंने पेमेंट का एवरेज ड्यू डेट निकाल लिया। पेमेंट का जब मैंने एवरेज ड्यू डेट निकाला, तो बेटा पेमेंट का एवरेज ड्यू डेट मेरा निकल कर आया, पेमेंट का मेरा एवरेज ड्यू डेट निकल कर आया 6th मई। पेमेंट का एवरेज ड्यू डेट निकल कर आया 6th मई, और अमाउंट ड्यू कितना था, तो बोला गया 20,000। अमाउंट ड्यू कितना था बेटे, 20,000। एवरेज ड्यू डेट हमारा निकल कर आया 6th मई, और पेमेंट कितना था, 20,000। लेकिन इसने ये बोला कि हमने होल ऑफ द अमाउंट पेड, होल ऑफ अमाउंट पेड ऑन June 30 विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। क्या मतलब है इस बात का, ये समझ लें जरा बेटे। हमें एक एवरेज ड्यू डेट, एक अमाउंट 6th मई को हमारा एवरेज ड्यू है एक अमाउंट 20,000, लेकिन वो पेमेंट 6th मई को आने की बजाय June 30 को आता है, तो इंटरेस्ट 6th मई से लेकर June 30 तक का इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि जो पेमेंट 6th मई को आना था वो पेमेंट 30th जून को आता है, तो 6th मई से लेकर 30th जून तक, मई में कितने दिन थे, 31, तो 25 दिन तो मई के बच गए, और June 30 को आया, तो June 30 को आने के मतलब 30th तो काउंट होगा नहीं, 29 डे वो हो गए, कैसे ही काउंट कर लो, या इसको 30th ले लो आप, एक दिन छोड़ना चाहे तो डेट ऑफ ड्रोन का छोड़ दो, चाहे वो उसका छोड़ दो आप, तो 30 डेज ये प्लस हो गए तो कितना आ गया, 55 डेज पेमेंट डिले आया। जो पेमेंट 6th मई को आना था वो 30th जून को आया, अब मई के मैंने 25 डेज ले लिए, 6th मई छोड़ दिया, तो बचे हुए दिन ले लिए, तो इस वजह से फिर हम जून वाले 30th डेज काउंट कर लेंगे, तो कुल मिलाकर 55 डेज डिले हमें पेमेंट मिला, ये आप कह सकते हो।
जो पेमेंट सिक्स मई को मिलना था वो हमें जून 30 को मिला, तो ड्यू डेट से डिले अगर पेमेंट मिलेगा तो उस डिले पीरियड पर हम सामने वाली पार्टी से इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। अब ये देखिएगा अमाउंट ड्यू कितना है, 20,000, रेट कितना है 15%, और अगर मैं 55 डेज का ये अमाउंट कैलकुलेट करता हूँ तो बेटे 20,000 इंटू 15% इंटू 55 डेज, तो ये वैल्यू आ गई 452, 452 ये वैल्यू आ गई, मतलब 452 रुपए का अमाउंट जो है वो एवरेज ड्यू डेट के नाम पर, इंटरेस्ट के नाम पर हमें मिलेगा। तो यानी कि अगर हमें इंटरेस्ट पेमेंट लेना होगा 30 जून को, तो 20,000 तो प्रिंसिपल अमाउंट और 452 रुपये उतने दिन का इंटरेस्ट, 20,452 रुपये ये पेमेंट हमें जो है वो हमारे कस्टमर से मिलेगा। अगर किसी से पेमेंट हमने लेना था 6 मई को, लेकिन बेटा वो हमें पेमेंट कब दे रहा है, 30 जून को, तो उतने डिले पीरियड का मैं इंटरेस्ट जो है वो लेकर चलने वाला हूं। बेटा जिस तरह का काम मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 5 मैंने करवा दिया, मैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपको होमवर्क में दे रहा हूं, लेकिन उसके आगे कंटिन्यू अगर करते चलें, इलस्ट्रेशन नंबर 6 के बाद अगर मैं कंटिन्यू करके चलूं तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 के बाद इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये देखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 7, इसमें लिखा एक्सओस वाई रूपी 5,000। वैसे क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, मैं एक बार पढ़ा देता हूं। द एवरेज ड्यू डेट फॉर द म्यूचुअल ट्रांजेक्शन इज 2 जून। एवरेज ड्यू डेट कब है बेटा, 2 जून। कैलकुलेट द अमाउंट पेड बाय एक्स टू वाई इफ एक्स वांट टू पे ऑफ दिस अमाउंट ऑन 2 जून। ड्यू डेट पर ही दे रहा है, फिर तो पूरे 5,000 ही देने पड़ेंगे। अगर वो 14 अगस्त को दे रहा है तो बेटा जितने डिले पीरियड दे रहे हैं उतने डिले पीरियड का हम इंटरेस्ट लगा देंगे, और अगर वो 21 मार्च को पहले दे रहा है तो उतना इंटरेस्ट लेस करके हम पेमेंट ले लेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप मान के चलना, सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका होमवर्क है, ये आपसे हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। इतना काम करने के बाद आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9, ये मैं क्लास में आपको करवा रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 इसको मैं आपके साथ अभी क्लास में कर रहा हूं डिस्कस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, रमेश ड्रू अपॉन विनोद सेवरल बिल ऑफ एक्सचेंज ड्यू फॉर द पेमेंट ऑन द डिफरेंट डेट एज अंडर। नंबर 1 बिल ये है, नंबर 2 बिल ये है, नंबर 3 बिल ये है, नंबर 4 बिल ये है, नंबर 5 बिल ये है, और नंबर 6 बिल ये है। इन सभी बिल के अमाउंट हमें दिए गए और इन सभी बिल का टेन्योर अमाउंट हमें दिया गया। फाइंड आउट द अमाउंट ड्यू विच पेमेंट इज मेड ऑन द सिंगल अमाउंट। हमें ये बताना है इन सब का, अगर एक सिंगल डे एवरेज ड्यू डेट ही निकाल लें, ये कह लो कि जो आज तक अभी तक मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई ये उसी का एक तरह का क्या है जी, रिवीजन है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 मैं स्क्रीन पर आपके साथ कर रहा हूं सॉल्यूशन। बेटे क्वेश्चन नंबर 9 का मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन कर रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर 9 में पता क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 9 में रमेश ने विनोद के ऊपर जो सेवरल बिल लिखे हैं उनकी मैं डायरेक्टली ड्यू डेट लिखता हूं। यहां मैं डायरेक्टली ड्यू डेट्स लिखूंगा, अपन लोग ओरल अभी कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर 1 बिल, नंबर 2 बिल, नंबर 3 बिल, नंबर 4 बिल, नंबर 5 बिल, 6 बिल है ना, और नंबर 6 बिल, सभी की मैं ड्यू डेट निकाल दूंगा, सभी के मैं अमाउंट निकाल दूंगा। ड्यू डेट निकाल देंगे, अमाउंट निकाल देंगे,
फिर हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट टू ड्यू डेट। बेस डेट से ड्यू डेट निकालने के लिए आपको डेज निकालने पड़ेंगे, बेस डेट से ड्यू डेट तक निकालने के लिए आपको डेज निकालने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। ये सब चीजें हमें सॉल्व करनी है बेटे। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर, ये देखिएगा, सबसे पहले हमें 1 जून को 3 महीने का एक बीआर नोट हुआ है बेटे। 1 जून से 3 महीने बाद 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर प्लस 3 डेज का ग्रेस, 1 बीआर की ड्यू डेट आपकी 4 सितंबर हो जाएगी। और इस बीआर का अमाउंट था 1200 रुपये, 1200 रुपये का अमाउंट हो जाएगा, ये निकल कर आ गया। सेकंड की बात करें, 19 जून को 1600 रुपये का बीआर है 2 मंथ्स का। 19 जून के 2 मंथ के बाद 19 जुलाई 19 अगस्त प्लस 3 दिन का ग्रेस 22 अगस्त, 22 अगस्त आपकी ड्यू डेट बनेगी और अमाउंट है बेटे 1600 रुपये, ये आ गया। उसके बाद 10 जुलाई को 2000, पीरियड है 3 मंथ्स, 10 जुलाई के 3 मंथ्स के बाद 10 अगस्त, 10 सितंबर, 10 अक्टूबर प्लस 3 दिन का ग्रेस 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर और आपका अमाउंट आ जाएगा 2000, ये लीजिए। उसके बाद 27 जुलाई 1500 रुपये 3 मंथ्स, 27 जुलाई के बाद 27 अगस्त, 27 सितंबर, 27 अक्टूबर प्लस 3 दिन का ग्रेस 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर आपकी ड्यू डेट है और अमाउंट है बेटे इसका कितना, 1500 रुपये, ये लीजिए, ये आ गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 7 अगस्त 1800 और 1 मंथ का, 7 अगस्त के बाद 7 सितंबर प्लस 3 डेज का ग्रेस 10 सितंबर और अमाउंट है 1800, 10 सितंबर अमाउंट है 1800। और नेक्स्ट है जी 15 अगस्त को 2 मंथ्स का बीआर, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर प्लस 3 डेज का ग्रेस 18 अक्टूबर और अमाउंट है 2400, 18 अक्टूबर अमाउंट है 2400, ये अमाउंट आ गया। अब बेटे ये सब आने के बाद अगर मैं इससे आगे की बात करूं, ये सब आने के बाद अगर मैं बेटे इससे आगे की बात करूं, तो फाइंड आउट द एवरेज ड्यू डेट फॉर द पेमेंट मेड ऑन सिंगल डे। तो ये देखिएगा, अगर हम लोग बात करें, इसमें कोई भी एक डेट को अपन ने बेस डेट बना लेना है। आप मेरे को बताओ बेस डेट क्या हो। तो जैसा हम करते आ रहे हैं, फर्स्ट ड्यू डेट आपकी बेस डेट है, इनमें से अर्लीएस्ट ड्यू डेट अगस्त 22 है, उसी को मैंने बेस बना लिया। अब अगस्त 22 को बेस बनाकर अगर मैं चलूं, तो बेटा पहले वाले केस में 4 सितंबर है, तो अगस्त के 9 डेज, सितंबर के 4, 13 दिन बेस डेट से ड्यू डेट तक के बन गए। दूसरे वाले केस को 0 बना देंगे क्योंकि वो बेस डेट है। थर्ड वाले केस में अगर ड्यू डेट 13 अक्टूबर है, तो अगस्त के 9 दिन, सितंबर के 30, अक्टूबर के 13। अगर 30 अक्टूबर है, तो अगस्त के 9 दिन, सितंबर के 30, अक्टूबर के 30। अगर 10 सितंबर है, तो अगस्त के 9, सितंबर के 10। 18 अक्टूबर है, तो अगस्त के 9, सितंबर के 30, अक्टूबर के 18, ये आ जाएंगे। बेटे अगर मैं बात करूं 9 प्लस 30 प्लस 13, ये वैल्यू आ जाएगी 52। 9 प्लस 30 प्लस 30, ये वैल्यू आ जाएगी 69, ये वैल्यू आ जाएगी 19, और ये वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस 30 प्लस 18,
57 ये वैल्यू आ जाएगी। अब मैं अमाउंट को और इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1200 × 13 ये वैल्यू आ जाएगी 15600, ये वैल्यू आ जाएगी 0, ये वैल्यू आ जाएगी 2000 × 52 104000, 1500 × 69 ये वैल्यू आ जाएगी 103500, 1800 × 9 ये वैल्यू आएगी 34200 और ये वैल्यू आएगी 136800। अगर मैं इस सब को ऐड कर दूं तो बेटे 15600 प्लस 104000, 103500, 34200, 136800, तो ये वैल्यू आ गई 394100 रुपीस। और टोटल ऑफ द अमाउंट अगर मैं निकालता हूं तो 1200, 1600, 2000, 1500, 1800 और 2400। बेटे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अमाउंट आ गया 10500, ये अमाउंट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बेस डेट मैंने किसको बना लिया, 22 अगस्त को, और अगर मैं इसको बेस बनाकर आपकी एवरेज ड्यू डेट निकालता हूं, बेटे एवरेज ड्यू डेट अगर मैं निकालता हूं तो क्या लेना होता है, बेस डेट प्लस टोटल ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ द अमाउंट। बेस डेट में टोटल ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ द अमाउंट आपको ये लेना होता है। बेस डेट हमने बनाई थी, बेस डेट आपने बनाई थी 22 अगस्त प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट 394000 और टोटल ऑफ द अमाउंट 10500, ये वैल्यू आ गई। अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, 394000 डिवाइड बाय 10500, तो ये डेज आ गए 37.53 डेज। राउंड ऑफ करके इसको मैं 38 डेज कर देता हूं, और अगर मैं इसके अंदर 38 डेज कंप्लीट करूं तो 22 अगस्त के बाद, अगस्त के तो 9 डेज अभी बच गए, 29 सितंबर के मेरे पास बचेंगे 29, तो ये 0 होगा। दैट मींस 29 सितंबर ये मेरे लिए क्या बन जाएगी, ड्यू डेट बन जाएगी। इस तरह से हम लोग इसका कंप्यूटेशन जो है वो करने वाले हैं। आप मेरे को ये वाली बात बता दो, ये क्लियर है? तो मैं आपको ये बताता आ रहा हूं हाउ टू कैलकुलेट सिंगल पर्सन की ट्रांजैक्शन के लिए किस तरह से हम लोग ड्यू डेट निकालेंगे। मैं बेटे एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें इंटरेस्ट फैक्टर और है, ये मैं आपको अप्लाई करके दिखा दूंगा तो आपका एक केस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो आप जरा, अगर मैं इसी का क्वेश्चन नंबर 10 बताता हूं, लिखा हुआ है आर ओज एस द फॉलोइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम ऑन द डेट स्टेटेड। आर ने एस से कितनी कितनी पेमेंट लेनी है वो हमें गिवन है, मतलब कितनी पेमेंट देनी है वो हमें गिवन है, 300 ड्यू ऑन मार्च 9 लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में इधर मैं निकाल देता हूं ड्यू डेट, इधर मैं निकाल देता हूं अमाउंट, इधर मैं निकाल देता हूं नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट टू ड्यू डेट। बेस डेट से ड्यू डेट कैसे निकालेंगे, ये आ जाएगा। ड्यू डेट है, अमाउंट है, बेस डेट से ड्यू डेट कैसे निकालेंगे ये आ गया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये आने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकाल देंगे।
ये आने के बाद हम प्रोडक्ट निकाल देंगे, ये आने के बाद हम लोग बेटे प्रोडक्ट निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे आप मेरी बात को सुनो, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री और नंबर फोर, ये वैल्यू है। ये देखिएगा, पहले बिल की ड्यू डेट है 9 मार्च को ₹300, 9 मार्च और अमाउंट है 300। फिर लिखा गया ₹1000 ड्यू ऑन 2nd अप्रैल, 2nd अप्रैल और ड्यू डेट है 1000। उसके बाद ₹4000 ड्यू ऑन अप्रैल 30, 4000 अप्रैल 30 को, अप्रैल 30 और अमाउंट है 4000। और ₹100 ड्यू ऑन जून फर्स्ट को 100 रुपीज, ये अमाउंट आ गया। और इतनी वर्किंग करने के बाद ये बोलता है ही वांट टू मेक द कंप्लीट पेमेंट ऑन June 30। पेमेंट कब करना चाह रहे हैं? June 30 को। वो बाद की बात है, पहले एवरेज ड्यू डेट निकालते हैं। ये देखिए, इसमें March 9 को मैं बेस डेट बना लेता हूं, March 9 को मैं बेस डेट बना लेता हूं। अब March 9 बेस डेट है तो इसमें तो 0 आ गया। 2nd अप्रैल वाले केस में March 9 के बाद March 22 और April 2, 24 डेज आ गए। April 30 के लिए March 22 और April 30, 52 डेज आ गए। June 1 है तो March 22, May 31 और June 1 March 22 मैंने गलत किया है, March 22, April 30, May 31 और June 1। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें 22 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 1, 84, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं मल्टीपल करूं अमाउंट इनटू 0, ये वैल्यू आ जाएगी 0। 1000 इनटू 24, ये वैल्यू आ जाएगी 24000। 4000 इनटू 52, ये वैल्यू आ जाएगी 2,08,000। और 100 इनटू 84, ये वैल्यू आ जाएगी 8400। अगर हम लोग कैलकुलेट करें 24000 प्लस 2,08,000 प्लस 8400, ये वैल्यू आ जाएगी 240,400 और ये वैल्यू आ जाएगी 3000, 1000, 4000 और 100, ये वैल्यू आ जाएगी 8100। अगर बेटे 9 मार्च के बाद एवरेज ड्यू डेट हमें निकालना हो, एवरेज ड्यू डेट, तो मैं क्या बनाऊंगा? बेस डेट प्लस टोटल ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय टोटल ऑफ द अमाउंट्स। बेटे बेस डेट आपकी क्या अपने लिए? 9 मार्च। 9 मार्च में हम लोग 2,40,400 डिवाइड बाय 8100, इसमें डेज आ जाएंगे। 240,400 डिवाइड बाय 81, 29.67, या इसको राउंड ऑफ करके 30 डेज आप कर लो। तो 30 डेज अगर आप करेंगे तो बेटे आपके पास, मैंने कुछ गलत किया क्या? कुछ गलत कर दिया मैंने। ये जो अमाउंट है ना, ये बेटे 8100 नहीं आएगा, 5400 आएगा। मैंने इसको गलती से 3000 ले लिया था, ये 300 है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिएगा, अगर हम इसको 5400 लेते हैं,
5400 लेते हैं, तो 240,400 डिवाइड बाय 5400, ये 44.51 डेज या तो 45 डेज आ जाएगा, ये कैलकुलेट करेंगे तो 45 डेज अगर आप पूरे करें तो बेटे मार्च के 22 दिन ले लो, अभी भी 23 डेज बच गए, तो अप्रैल के 23 डेज ले लो तो नील आ गया। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 23 अप्रैल ये हमारी एवरेज ड्यू डेट ये आएगी, ये हमारी एवरेज ड्यू डेट आएगी। अब एवरेज ड्यू डेट आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 23 अप्रैल से, आप मेरी बात को समझिएगा, 23 अप्रैल अगर मेरी ड्यू डेट है, जबकि यहां पेमेंट 30 जून को आ रही है, मतलब जो पेमेंट 23 अप्रैल को आ जानी चाहिए थी वहां पेमेंट हमें रिसीव हो रही है जून 30 को, तो कितने दिन डिले पेमेंट मिला, अप्रैल के 7 दिन, मई के 31 और जून के 30, अप्रैल के 7, मई के 30, जून के 30, 68 डेज डिले हमें पेमेंट मिल रहा है, 68 डेज डिले हमें पेमेंट मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 68 डेज का पेमेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हमें पेमेंट कितना आना था 5400, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने बोला 5% एप्लीकेबल करना है, क्वेश्चन में गिवन है, 68 डेज का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर दो, 54 × 5% × 68 डिवाइड बाय 365, तो 50.30 ये वैल्यू आएगी। 2 मिनट की क्लास है बेटा, इसमें ये टॉपिक फारिक हो जाएगा, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे अपने, ये देखिएगा 50.30 ये इंटरेस्ट है। अब मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है ये बताओ जरा, प्रिंसिपल अमाउंट था 5400 प्लस इंटरेस्ट वैल्यू हमारे पास है 50.30, तो कुल मिलाकर 50.30 ये अमाउंट हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा, ये अमाउंट हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। चलिए इतना काम करने के बाद आप मेरी बात को समझिएगा, ये अमाउंट मेरे पास विद इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट आएगा जून 30 को। तो बेटे आज की क्लास में जो मैंने आप लोगों को टॉपिक करवाया, आज की क्लास में जो टॉपिक मैंने आपको करवाया, ये बेटा ये आज की क्लास में यूं कह लो एवरेज ड्यू डेट का, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पर्टिकुलरली 4 केस बन सकते हैं, तो इनमें से जो ये फर्स्ट केस है ना, ये बेटे मैंने आपको डेफिनेटली पूरा करवा दिया, ये वाला जो केस नंबर 1 है ये मैंने करवा दिया, इलस्ट्रेशन नंबर 10 मैंने आपको क्लास में करवाए, आप बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 11 से लेकर 14 तक ये बहुत आराम से आप सोल्व कर सकते हो, ये बात आप मान के चलेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 11, 12, 13 और 14 ये इलस्ट्रेशन आपके होमवर्क हैं, अगर आप लोगों ने इतने इलस्ट्रेशन और कर दिए तो आप ये बात मानकर चलेगा आपका केस नंबर 1 डेफिनेटली श्योर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई डाउट आपके आएंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को केस नंबर 2 व्हेन द ईच ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व 2 पार्टीज ये वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर 3rd केस एवरेज ड्यू डेट इन द केस ऑफ अमाउंट पेड ऑन इंस्टॉलमेंट्स एंड 2nd, 4th केस व्हेन द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेटेड, तो इसको हम लोग नेक्स्ट 2 क्लास और 3 क्लास में बहुत अच्छे लेवल पर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।